देखो देखो मार दिया ना सैकड़ा। हाँ विराट ने कल मार दी है सेंचुरी, और उसको देखा देखी टेक्स्ट स्टोरीज भी बना रहा है अपनी सेंचुरी, क्योंकि हो गया है पूरा 100वां एपिसोड आज। हाँ जी हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक्स्ट स्टोरी के 100वें एपिसोड में, जहां मैं बताने वाला हूँ कि हमने शुरुआत की थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले सीरीज से, कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, हिस्ट्री तक ले गए थे, और शानदार कहानियों को आपने बहुत बड़ा ही प्यार दिया और उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए बहुत सारे लोग। और ये एपिसोड 15 से 16 हमने एपिसोड सिर्फ आईओटी पे किए, जिसमें सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस और पता नहीं क्या क्या। फिर आई बात AI, क्योंकि अमित हमेशा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करना चाह रहा था। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बायोमेट्रिक डीप लर्निंग, NLP, चैटबॉट और प्यार पता नहीं क्या क्या। फिर आ गया 50वां एपिसोड, जहां बात हुई हमारे ChatGPT की, और ChatGPT ने बाहर लगा दी थी AI टूल्स की। तो अमित ने सोचा क्यों ना कुछ हैंड्स ऑन दिखाया जाए, तब पॉडकास्ट भी Spotify ने कर दिए थे वीडियो। फिर वीडियो पे आ गया अमित, और अमित ने दिखाने लगा कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन। फिर स्टार्टअप की बातें हुई, नो कोड लो कोड की बातें भी शुरू में की गई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सब बातें हो गई। और पिछले 5-7 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं AV, मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी, सॉरी वर्चुअल रियलिटी। फिर बात कर रहे हैं हम लोग Web3 की, मेटा की, मेटावर्स, और रिसेंटली हमने बात की है Web 3.0 को पूरे स्ट्रक्चर की। सारे टेक्नोलॉजी की बातें हो गई अमित। अब सवाल पूछ रहा है अमित अपने दर्शकों से, मतलब ये अपने ऑडियंस से, कि अब क्या बात की जाए, क्योंकि उसे लग रहा है अब अच्छी चीज की शुरुआत हुई थी तो उसका अंत भी होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं इस पॉडकास्ट को मत बंद करो, एक सीरीज के साथ साथ वापस स्टार्ट कर दो नए सीजन से। सोच रहा हूं थोड़ा ब्रेक लिया जाए और इस एपिसोड के बाद फिर से टेक्स्ट स्टोरी को नए फ्लेवर में लाया जाए और आपको समझाया जाए कहानियों से टेक्नोलॉजी को विद न्यू सीजन। क्या बोलते हैं आप? अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ और टेक्नोलॉजीज कवर करना चाहिए, क्या मुझे प्योरली हैंड्स ऑन दिखाना चाहिए, अपने फीडबैक मुझे दें। anchor.fm पे आप जाकर वॉइस मैसेज करें, Instagram पे @podcastaramit पे आपको मिल ही जाता हूं मैं, इनडायरेक्ट का ऑप्शन भी मिल गया है Spotify में, एप्पल पॉडकास्ट में अपने रिव्यू लिखें, Spotify में मुझे फॉलो करें, गाना पे भी अपनी चीजें लिख सकते हैं आप, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर आप मुझे तुरंत बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आज का एपिसोड तो वैसे सिर्फ बातों वाला था, ऐसे कई एपिसोड हुए हैं जिसमें मैंने कहानियां, कविताएं और यहां तक कि मैंने लोगों के साथ इंटरव्यू किए वो भी शेयर किए हैं, इसलिए शेयर किया ताकि बोनस एपिसोड्स आ जाए। सोच रहा हूं टेक्नोलॉजी बेस्ड ही चलूं, क्योंकि मेरा नीश भी टेक्नोलॉजी वाला ही है। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट के पुराने एपिसोड जिनका मैंने रिव्यू किए हैं उन्हें सुनिए और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। IoT सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे शुरू के 10-12। फिर अगर आप AI पे काम करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ एपिसोड्स आपको मिलेंगे AI पे, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर, नो कोड लो कोड की बातें भी यहीं पे होंगी। नो मोर रिपीटेशन, यहीं देते हैं इस एपिसोड को विराम। तब तक छोटे से ब्रेक से, मतलब कुछ विराम लेकर आएगा आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए सीजन में, जहां बात होगी कुछ अलग। तो तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को इतना प्यार बरसाते रहें, क्योंकि Spotify में भी जीत गया था अमित और आपने दिया था उसे बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड, यहां तक कि Hubhopper ने भी शोकेस किया था और उसे जगह दी थी बेस्ट पॉडकास्ट की लिस्ट में। ऐसी कई चीजें, Amazon Music ने भी उसे काफी रिवॉर्ड दिए। अमित मोटिवेट हो तो रहा है, पर अमित के मन में आ रहा है अब ऑडियंस का सवाल, क्योंकि ऑडियंस से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो लेते हैं विराम, तब तक आप पॉडकास्ट को सुनते रहें, इंस्टाग्राम पे जाकर @podcasteramit पर अपने जवाब, अपने सुझाव देते रहें। थैंक्स अ लॉट और कीप लिसनिंग टेक स्टोरीज। थैंक यू लिसनर्स इतना प्यार देने के लिए, मन ही नहीं रो रहा है इस एपिसोड को बंद करने का, थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूं क्योंकि होने वाला है ये एपिसोड थोड़ा दिन के लिए बंद ये सीरीज, ताकि मैं भी देखना चाहता हूं कि नया कॉन्सेप्ट क्या लेकर आऊंगा। शायद मैं कंसिस्टेंट रहा, आपको अच्छा लगा तो बताएं जरूर। थैंक्स अ लॉट डियर, बी गुड और अपना ख्याल रखें सब लोग।